और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि कन्या काशवी नेगी। छोटी बच्ची काशवी नेगी मंच पर आए और उनके साथ उनके पिताजी रोहित नेगी कॉन्ट्रैक्टर और श्रीमती रोहित नेगी जी। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा इंजीनियर महेंद्र कपूर जी, जनरल मैनेजर HPPCL रिकांगपियो की आप यहाँ मंच पर आए और आप भरपूर आशीर्वाद प्रदान करें। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। एक मिनट को आने दो। मुख्य अतिथि दीप जलाकर प्रज्वलित करते हुए हमारे गुरु स्वरूप इंजीनियर महेंद्र कपूर जी, जनरल मैनेजर HPPCL, जय श्री राम। मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आप बतौर मुख्य अतिथि आए हैं दो शब्द कहकर हम सभी को अनुग्रहित कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामलीला मंचन के सभी कलाकारों को, इनके निदेशक जी बलवीर नेगी जी और जितने भी कलाकार हैं, राम भविष्य नेगी जी और सभी कलाकारों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भगवान श्री राम चंद्र जी की कृपा से रामलीला का सफल आयोजन हो, निर्विघ्न हो और आपको पूरा आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को जय श्री राम बोलता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, जय सिया राम। धन्यवाद अतिथि महोदय। समय काफी हो चुका है, आइए लिए चलते हैं आज का पहला दृश्य आरती रामायण जी की। शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि आपने इतना कीमती समय निकाला, इतने दूर से आप आए, भगवान श्री रामचंद्र जी के काज में आए, माता रानी का भरपूर आशीर्वाद, माता जी का भी भरपूर आशीर्वाद कि माता जी यहाँ पर आए हैं और अचानक चलते चलते इस रामलीला का खूबसूरत दृश्य देखने के लिए आपको सौभाग्य मिला और हमें इसका आशीर्वाद मिला। और कुमारी गुड़िया काशवी जो आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए, आपका भी बेटा बहुत 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 धन्यवाद। ये मंच सबको नहीं मिलता है, आप जैसे विरले विरले को ये मंच मिलता है। जो करता है करनहार है, कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हम तो किस खेत की मूली है जो हम ऐसे ही यहाँ पर आए हैं। ठीक है, करने करवाने वाला वो है ईश्वर, कण कण में विद्यमान है। आप सभी अखबार में भी पढ़ते हैं, ग्रंथ में पढ़ते हैं, जब हम अखबार पढ़ते हैं तो सबसे साइड में एक लाइन में लिखा होता है ईश्वर कण कण में विद्यमान है। अब ऐसे तो नहीं लिखा होगा, कहीं ना कहीं उन चीजों को समझा होगा। ये सारी चीजें अध्यात्म ज्ञान की जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल में जाने से पहले भी हम एक एक लाइन लिखते थे, टेढ़ी करते थे, इस तरह लिखते थे, हमें पता नहीं था क्या लिख रहे हैं, इस तरह लिखते थे। जब आप स्कूल जाते हैं तो पता चलता है कि एक इस तरह लिखा जाता है, वो गुरु सिखाता है, स्कूल सिखाता है। इसी तरह हमें अध्यात्म
ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें इसी ग्रंथ से यहाँ पर सीखने को सुअवसर मिलता है। मुख्य अतिथि से निवेदन है कि ये हमारा इस सनातन धर्म सभा भावनगर का छोटा सा एक भेंट है, छोटी भेंट को आप स्वीकार करें और इस स्मृति चिन्ह को आप स्वीकार करें। छोटी गुड़िया काश्मीर नेगी श्री रोहित नेगी जी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बड़े भाई आपको भी आशीर्वाद, नमस्कार। मैडम जी को भी।